इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम वेब ऐप में वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। वेब ऐप न्यू फॉर्मेट है वीडियो के अंदर और ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो इसके लिए यानी आप दूसरे भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। हम ये अलग ट्राई करेंगे, ये मायरो वीडियो कन्वर्टर .com वेबसाइट है, इधर आप आ जाएं। इधर ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इधर डाउनलोड का लिंक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए, तो आप इस पर क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप इधर फिर से क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ये है डाउनलोड हुआ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका फायरवॉल का भी सॉफ्टवेयर है तो वो आपसे पूछेगा कि इसकी परमिशन दे रही है इंस्टॉल करने के लिए, यस करते हैं। फिर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, सिंपल सॉफ्टवेयर है। अब ये पूछ रहा है कि क्या रन कर ले, इंस्टॉल हो गया, तो हम वहाँ कर देते हैं और फिनिश इसे चेक ही रह देते हैं, तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। फिनिश पर क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आ गया। अब इसे हमने वाली फाइल देनी है, पहले आपके पास कोई वीडियो फाइल है कोई और फॉर्मेट के अंदर तो आप उसे सेलेक्ट कर लें और फिर उसे हम वेब ऐप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जैसे चूज फाइल लिखा है इस पर क्लिक करते हैं। ये मैंने ये पहले ही मेरी फाइल जो पड़ी है मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने एम्बेड करना देखा था HTML5 के अंदर वीडियो, उसके अंदर जो वीडियो यूज़ की थी। आप कोई भी आपके पास वीडियो जहाँ पे भी पड़ी है आप उधर पाथ दे के जैसे सी के फोल्डर के ऊपर सेलेक्ट कर ले, फिर आगे से पाथ दे दे जहाँ पर भी आपकी वो फाइल पड़ी है। तो मेरी इधर पड़ी है वैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ये नीचे बटन है ओपन का, उस पर क्लिक कर दिया। अभी हमें उसे बताना है कि हमें कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये अलग अलग फॉर्मेट के अंदर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर सकता है, तो हमारा फोकस जो है वेब एम के ऊपर है, तो फिर हम फॉर्मेट यहाँ पर आ जाए, ये वीडियो के अंदर क्लिक कर दें। हम हाई डेफिनेशन वाला सेलेक्ट कर लेते हैं वेब एम के अंदर, आप दूसरा वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये कर लेते हैं, हाई डेफिनेशन में हो जाएगा कन्वर्ट टू पे क्लिक कर दें, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी। इधर से आप सॉफ्टवेयर की सेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जब भी कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। यह हो गया तो अब आप इस पर क्लिक करके फाइल देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। इसे आप ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हैं, जैसे आप क्रोम ब्राउजर से ऐसे करेंगे तो ये उसके बाद प्ले करना शुरू एक दिन हम भी इनके साथ खेलेंगे। तो ये आपकी वेब ऐप वीडियो जो है वो बन गई है और उसको हमने टेस्ट भी कर लिया।